हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुदीप चौधरी, क्रियांश अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास से हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, आज दूसरी क्लास है और पहले लेसन की दूसरी क्लास है आज। और मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगा होगा और मुझे ये भी स्पष्ट है कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो, एक्चुअली क्या है, समस्या वहाँ होती है जहाँ बच्चे 11 का ये मान के चलते हैं कि चलो इसको बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है, हल्के से लेके चलते हैं, फिर से उनके साथ समस्या रहती है, वो चीज़ें रूटीन में होती नहीं है, धीरे 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 दिमाग से हटता जाता है। और जब एकाएक जब तक उनके ऊपर प्रेशर ना हो ना, तब तक वो पढ़े ना, तो जैसे ही वो जो 10th क्लास में आते हैं तो हर चीज़ उनको बर्डन की तरह महसूस होने लगता है, जैसे लगता है कि सब सारी चीज़ें नई हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पीछे की सब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और जो लड़का, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लड़का पढ़ाई के रूटीन में बना हुआ है उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए लगातार उस वे में, उस स्टेज में या उस स्टेप में बना होना ही सबसे बड़ी महत्ता है, समझ गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे क्लास को। और हमारा जो लेसन चल रहा है वो पहला लेसन चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यही हमारा लेसन है। और इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण तक पढ़ चुके थे और इसमें हम छोटा सा ही क्लास रहेगा ये, और उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्लास है हमारा, हेडिंग है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ सन ऑफ चार्ज। देखो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सेम वही चीज है, सेम अलग नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। एक्चुअली आपको पता है कि हमारा जो आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, घर्षण से होती है, ठीक है, घर्षण से ही हम उत्पत्ति कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ बड़ी मुख्य बात होती है, वो होती है विलगित निकाय, ठीक है, विलगित निकाय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है उसके आसपास के वातावरण से या किसी भी पदार्थ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर हम विलगित निकाय के अंतर्गत या किसी भी कार्य को जैसे हम संपादित करते हैं तो उसके आसपास के वातावरण से कोई लेना देना ना हो तो उसको हम क्या करते हैं, विलगित निकाय करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, विलगित निकाय करते हैं। यानी किसी भी कार्य को हम संपादित करते हैं तो उस कार्य का किसी आसपास के, यानी उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ उससे कोई लेना देना ना हो तो उसी को हम क्या करते हैं, विलगित निकाय करते हैं, ठीक है। और विलगित निकाय के अंदर आवेश का नियत रहना, आवेश का संचित रहना, संरक्षित रहना ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। यानी विलगित निकाय के अंतर्गत, विलगित निकाय के अंतर्गत आवेश का संरक्षित रहना ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम इसको और भी कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हम कहते थे ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ठीक वैसे ही जहाँ पे ऊर्जा वहाँ आवेश कर दो, आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर दो, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का कभी क्या होता है, लाश नहीं होता, बस एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है,
इलेक्ट्रॉन का कभी लॉस नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि यहाँ से दूसरे पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है किसी पदार्थ पर यदि एक कूलम हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए, एक्चुअली क्या था, हमने जो पीछे पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, ठीक उसी फार्मूले पे होगा। तो किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखिए, चूंकि हम जान रहे थे क्यू बराबर एन ही होता है, और यहाँ संख्या की बात पूछा तो एन चाहिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई, और क्यू का मान कितना है, एक कूलम। अच्छा, आवेश का मात्रक कूलम होता है, क्योंकि हमने आवेश बताया था, तो आवेश को आ समझो, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, क्यू का मान होता है कूलम, ठीक है, इसको मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ई की वैल्यू हमने पिछली क्लास में बताया था 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसको आप करोगे तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹ भाग करेंगे तो कितना होगा, 0.625 × 10⁻¹⁹, दसमलव को इधर ले आइए एक अंक, तो 6.25 × 10⁻¹⁹, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका कूलम होता है, और आवेश धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमने दो टॉपिक, एक टॉपिक क्या पढ़ा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, और क्वांटीकरण का एक हमने न्यूमेरिकल पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ये है सब सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ का हम डेरिवेशन करेंगे, और वो सब सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई टॉपिक अगर पीछे छूटा होगा तो उसको भी हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, और मुझे जहाँ तक आशा है कोई क्लास छूटा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगली बात ये है, अगला जो हेडिंग है हमारा वो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी वो प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन एक ही ध्यान देखिए, आपने पढ़ा होगा मैच्योर इंडक्शन, यानी प्रेरण इंडक्शन, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। और आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है और कोई विदाउट मैग्नेट का, यानी कोई आवेशित है और कोई बिना आवेशित है, और जब हम उसके संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से ये भी आवेशित हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे आवेश है उस आवेश की मात्रा इधर भी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे कि किसी आवेशित छड़ को किसी अनावेशित छड़ के संपर्क में रखा जाता है तो उसका सजाती, यानी एक तरह से कहें विजाती आवेश तथा सजाती आवेश, वो दूसरे से क्या हो जाते हैं, यानी उसको हम कहें तो कैसे कहें, जब किसी आवेशित छड़ को किसी विद्युतीय छड़ के पास रखा जाए तो उसके आवेशित चालक के पास लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजाती आवेश हो जाता है तथा दूरवर्ती वाले पे अनावेशित चार हो जाता है,